हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 के विषय गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 7 फरवरी 2022 को दिया गया है। इस गृह कार्य में दिया गया है कार्यपत्रक 41 और कार्यपत्रक 42, दोनों ही कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणा तालिका को पूरा कीजिए। आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक तालिका दे रखी है, तो आपको क्या करना है, गुणा करके उनका आंसर लिखना है। ठीक है, पहले जोड़ना है उसी रूप में, किस तरह से आप जो गुणा की आरंभिक जो अवधारणा है उसकी समझ देखेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं पहले। फर्स्ट यहाँ एग्जांपल देखते हैं। 3 बर्ड्स दे रखी हैं एक खन में, यहाँ भी 3 बर्ड्स हैं, यहाँ भी 3 बर्ड्स हैं। 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। इसी चीज को पिक्चर में देखा तो भी 9 है। इसी चीज़ को अगर हम करते हैं 3 × 3, 3 बार है तो कर दिया अगर हमने सेम संख्या को, तो यहाँ 9 ही मिलेगा। तो ये जो क्या है, ये गुणा की प्रारंभिक अवधारणा है, जिसमें आप सेम डिजिट के अगर संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर सेम संख्याओं को उन संख्याओं में ऐड करते हैं तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। यानी 3 बर्ड्स दे रखी हैं, 3 बार दे रखी हैं, तो 3 × 3 कर देंगे, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा 9। अगर तीनों को 3 बार जोड़ेंगे तो भी 9 मिलेगा। तो ये ही अवधारणा को समझते हुए आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। आगे आपको क्या दे रखा है समझते हैं। यहाँ पर आपको कीज दे रखी हैं, चाबियाँ दे रखी हैं, प्रत्येक बॉक्स में 4 चाबी हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, 4 हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4। अब यहाँ चारों को आपको लिख देना है संख्याओं में। यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 × 4 = 8 = 12। ठीक है, अब यहाँ जोड़ेंगे, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 में 4 जोड़ा तो भी 12। अब 4 कितनी बार है, 4 4 बार है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 4 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, 1 2 3, तो 4 × 3 करने पर भी हमें 12 ही मिलेगा। अब यहाँ अवधारणा आ गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से हमें नेक्स्ट करना है, समझिएगा। 5 लॉक हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं, 5 हैं, तो चित्र में देख करके हमको कितने दिख रहे हैं, 5 और 5 = 10 और 10 = 20। इसे हम संख्या में लिखेंगे 5 5 5 5, रिपीट हो रही है सेम संख्या, 20 आ जाएगा जोड़ने पर। अब 5 को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 20 ही मिले, 4 बार दे रखी है 5 की संख्याएँ, 1 2 3 4, तो 5 × 4 कर देंगे तो भी हमें 20 ही मिलेगा। ठीक है, समझिए। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। गुणा सारणी में 10 20 30 के पहाड़ों को पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको 10 20 30 के पहाड़े पूरे करने हैं। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका 10 का पहाड़ा, 10 20 30। ठीक है, यहाँ पर आगे आ जाएगा 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका 10 का पहाड़ा, तो यहाँ हमने कर दिया है इसे। अब तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको। 4 × 5, तो क्या होगा, 4 को मल्टीप्लिकेशन कर दो 5 से, आंसर मिल जाएगा आपको 4 × 5। 3 × 7, 3 × 7 है तो 3 को मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 × 7 = 21। 5 × 3 है तो 5 × 3 कर दो 15 आ जाएगा। 7 × 2 है, 7 × 7 + 7 + 7 × 2 है तो 7 + 7। ठीक है, सॉरी, 2 को 7 बार लिख देंगे। ठीक है, तो 7 × 2 कर दो, ठीक है, 14 आ गया। 2 × 9 है तो 2 × 9 कर दो, 2 × 9 = 18। तो 2 × 9 है ना, तो 9 को 2 बार लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या हो गया,
प्रारंभिक अवधारणा भी समझ में आ गई होगी और मल्टीप्लिकेशन की मेथड भी समझ में आ गई होगी। अगर सेम डिजिट को हम जोड़ते जाते हैं तो हमें उसी संख्या को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, जोड़ने की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं कार्यपत्रक 42 जिसमें है पत्तियों में लिखी संख्या को जोड़कर बीच में लिखिए और रंग भरिए। आपको क्या करना है, संख्याएँ लिखनी है, जोड़ करके देखनी है संख्याओं को और उन्हें लिख देना है बीच में और कलर फिल कर देना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 5, 6 बार 6 है तो 6 × 6 करने पर हमें क्या मिलेगा, 36। इसी तरह से 9 बार क्या है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 9 4 बार है तो 9 × 4 कर देंगे 4×9 = 36। इसी तरह से यहाँ पर है 12 × 3 करने पर क्या मिलेगा, 12 × 3 = 36। ठीक है, तो आप चाहे 6 छिंक कर लो, 9 चौके कर लो, 12 तिया कर लो, सेम ही डिजिट मिलनी है 36। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर है 4 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार तो आंसर मिलेगा आपके पास में 4×6=24। यहाँ 6 4 बार, 6×4 = 6 कर लो या 6×4 कर लो, सेम ही आंसर मिलेगा 24। यहाँ है 8 3 बार, 8 तिया सेम मिलेगा 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। इसी तरह से नेक्स्ट है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 है 6 बार, 8×48। इसी तरह से क्या है 12, 1, 2, 3, 4, 12×4, 12 = 48। इसी तरह से है 16 3 बार, 16×3 यहाँ भी मिल जाएगा हमें 16 × 3 = 48। तो इस तरह से आपने देखा सेम डिजिट को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो आपको कौन सा इजी मेथड लगा आप उसे कर सकते हैं फॉलो। और इस तरह से आपकी कंप्लीट होती है दोनों वर्कशीट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।